आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, नहीं क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं इसलिए। छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती? अच्छा, जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं। क्या बोला तूने? जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आईसीसी कह दे नहीं हमें मंजूर नहीं है तो क्या आप तो फिर नहीं खेलेंगे? फिर हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। आई एम वेरी सीरियस, डोंट अंडरएस्टिमेट व्हाट आई एम सेइंग। जी पाकिस्तान में अभी भी इतना पूरे मुल्क में आग लग रही है लेकिन फिर कह रहे हैं कि इंडिया ने साजिश कर दी है और एशिया कप जो है ना वो पाकिस्तान में खेला जाना चाहिए। यार पाकिस्तानी तुम किस मुंह से कहते हो यार कि एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाना चाहिए? एक दूसरे के घर ठोक रहे हो तुम लोग यार, पूरे पाकिस्तान में तुमने आग लगा दी। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था, बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते? और जिस डॉलर को ये चीख चीख के बोल रही है इसके भूखे नंगे मुल्क के अंदर डॉलर का रेट क्या चल रहा है पहले ये तो देख लो। इंटरबैंक में डॉलर तारीखी बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। में डॉलर चंद ही घंटे में 5 रुपए महंगा होकर 294 रुपए का हो गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रेंग रेंग के चल रहा है। एक साल में डॉलर 100 रुपए महंगा हो चुका है और 4 अप्रैल को डॉलर ने 288.62 रुपए की इंतहाई हद को छुआ। अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते ये पूरी कहानी। अच्छा बात नहीं है। बार बार इशू क्रिएट जो है वो जय शाह साहब और इंडिया के लोग किए जा रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नजम सेठी चचा ने नया ज्ञान दिया है। नया ज्ञान ये दिया है, पहले इनका ज्ञान ये था कि भारत की टीम एशिया कप में आएगी और खेलेगी तो भारतीयों ने तो मना कर ही दिया। हम क्यों भेजे भाई, हमारी टीम को बिल्कुल नहीं भेज सकते। फिर इन्होंने प्लान बी बनाया कि भारत के जितने भी मैच होंगे वो हम आउट ऑफ पाकिस्तान करा देंगे। ऐसे कैसे? भारत ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब चाचा 10-15 दिन से बिल्कुल खामोश थे, अज्ञातवास में चले गए थे, कल अचानक से आए और चीखे। प्लान सी ये है कि एशिया कप को दो पार्ट में करवाया जाए, आधे मैच भारत को छोड़कर पाकिस्तान में खेलेंगे, बाकी के सारे मैच दुबई में होंगे। वाह चाचा वाह। कुल मिला के बात ये है कि चाचा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैच होने चाहिए और हिंदुस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं होगा, नहीं तो एशिया कप भी नहीं होगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ आज भी और यही होगा। तो कल चाचा ने बोला क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान और किसी और का मैच होता है फाइनल तो वो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। फिर हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। इंडिया की ब्रिज टीम हो गई, इंडिया की बास्केटबॉल टीम हो गई, इंडिया की कबड्डी की टीम हो गई, इंडिया की और ब्लाइंड क्रिकेट सारे आके पाकिस्तान में खेल रहे हैं। बीसीसीआई नहीं खेल सकता, ये क्या बात? वर्ल्ड कप है, आईसीसीआई का इवेंट है और आईसीसीआई के इवेंट में नहीं आने से पाकिस्तान खुद ही आइसोलेट हो जाएगा, पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा और हिंदुस्तानी तो सीरियसली चाहते ही यही है। बीसीसीआई है ड्रामेबाज, वो हमेशा यही सब कुछ करता हुआ है, वो चाहता ही नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले। पता नहीं वो डरता है शायद हार जाएंगे। लेकिन क्या बोर्ड के पास वो वसाइल मौजूद है कि भारत जैसी सुपर पावर जो इस वक्त क्रिकेट के अंदर बन के बैठी हुई है उसको टक्कर दे सके? तो लेकिन बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि इंडिया ने 2-3 मुल्कों को मिला रखा है, श्रीलंका को मिला रखा है, बांग्लादेश को मिला रखा है, अफगानिस्तान उन्हीं का साथ देगा, उन्हीं का एक तरह से समझे हामी है, तो बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा अगर हाइब्रिड मॉडल अगर एसीसी ने रिजेक्ट कर दिया आपका और आईसीसी ने वर्ल्ड कप का जो आप कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या वर्ल्ड कप नहीं आएंगे अगले साल? नहीं, आईसीसी रिजेक्ट करे या ना करे हमारा राइट है, फोर्स मेजर के अंदर साइटिंग सम इंपॉर्टेंट रीजन वी कैन से वी कांट कम। 96 में हुआ, हमें यहां कोई न्यूट्रल वेन्यू दे या हम नहीं आएंगे, खत्म होगी बात। अगर पाकिस्तान चला गया वर्ल्ड कप खेलने तो 100% इंडिया ने इशू बना देना चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि उसने तो अपने मजे ले लेने अगर पाकिस्तान चला गया। वो तैयारी भी कर रहा वहां पे कि जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच इस ग्राउंड में होगा। नजम सेठी साहब ने साफ मना कर दिया कि यू टर्न नहीं ले सकता सेठी साहब, क्योंकि अगर सेठी साहब ने यहां से यू टर्न ले लिया ना तो सवेरा मसला यह है कि भाई साहब फिर बेइज्जती आखिर में पाकिस्तान की है। अब इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं करना चाहता, इसलिए इस वक्त द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द बीसीसीआई। आपके हाथ में क्या है इस वक्त? मेरे हाथ में क्या है? हम नहीं खेलते वर्ल्ड ये एशिया कप, नो प्रॉब्लम। क्या इश्यू है? कोई इश्यू नहीं है। मुझे इस बात का पता है कि हमारे बगैर अगर ये खेलेंगे तो स्टार विल वॉक आउट।
सारे पैसे जो स्टार दे रहा है 45 या 46 मिलियन डॉलर्स, उसमें 80% इज अबाउट इंडिया पाकिस्तान मैचेस। इसी तरीके के साथ शेड्यूल बनाया गया है कि जी कम से कम दो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो वर्ल्ड एशिया कप कहां से होगा? बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप, फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। और नजम सेठी जी कह रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग के पैसे मिलेंगे इंडिया को भारत पाकिस्तान मैच। अरे जाओ चचा, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड पूरी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, पाकिस्तान जैसे पीसीबी को 10 बार खरीद के छोड़ दे। बीसीसीआई आईपीएल से इतना कमा लेता है कि वो पूरे साल क्रिकेट नहीं खेले ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है। और तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड आईसीसीआई के चंदे पे चलने वाला और तुम्हारा मुल्क आईएमएफ के भीख पे। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो चाचा जितनी औकात हो ना उतनी बात किया करो। अभी तो ये सिचुएशन है कि ना सिर्फ इंडिया आ नहीं रहा पाकिस्तान, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान को किसी तरह इसकी मेजबानी मिले, विच मीन्स कि काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस है इंडिया की तरफ से, जो हमेशा उनका रहता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह कोई बेनिफिट ना हो क्रिकेट को लेकर। अगर देखें इंडिया अगर ये इस मौके पर कायम रहता है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेजबानी सही तरीके से नहीं कर सकता या पाकिस्तान नहीं आना चाहता, तो फिर पाकिस्तान को भी अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए। जो उन्होंने पहले स्टांस दिया और पहले उन्होंने बयान दिए रजम सेठ से कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो अगर वो इंडिया नहीं जाते तो आईसीसी के टूर्नामेंट भी नहीं जाते, तो फिर जो है क्या होंगे उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे वो रजम सेठी को भी पता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता और आईसीसी को बेहतर तरीके से पता। इसलिए पाकिस्तान के पास क्या इतने वसाइल हैं, क्या पाकिस्तान खुद इतना स्ट्रॉन्ग है जो दिगर बोर्ड को, क्योंकि दिगर बोर्ड भी आपसे इंटरेस्ट चाहते हैं। इस वक्त श्रीलंका जो भारत का साथ दे रहा है उसमें भारत ने उनको यही पेशकश की है कि हम एशिया कप आपको दे देंगे, या अगर हाइब्रिड मॉडल भी जाते हैं तो भारत यूई से ज्यादा एशिया कप को श्रीलंका में करवाने का हामी नजर आता है। तो यहाँ पे भारत लॉबिंग करता है क्योंकि उनके पास वसाइल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे बताया ये है कि पाकिस्तान का बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कुछ जगह नहीं, लेकिन क्या बोर्ड के पास वो वसाइल मौजूद है कि भारत जैसी सुपर पावर जो इस वक्त क्रिकेट के अंदर बन के बैठी हुई है उसको टक्कर दे सके? तो आप अगर किसी बोर्ड से अच्छे ताल्लुक चाहते हैं तो आपको उनको कोई ना कोई फेवर देनी पड़ेगी, और फेवर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ही होती है। अगर आप इस वक्त भारत को देखें तो भारत ना सिर्फ आईसीसी के ऊपर काबिज है, ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर काबिज है, बल्कि साथ साथ जो इंडिविजुअल बोर्ड है उनके ऊपर भी काबिज है। देखिए बीसीसीआई ये नहीं चाहता ये कब श्रीलंका में हो जाए, बीसीसीआई ये चाहता है कि ये कब पाकिस्तान में ना हो, वो कहीं भी हो जाए, ईस्ट टिमोर में हो जाए, कहीं भी हो जाए, उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि पाकिस्तान में ना हो। अब पाकिस्तान में ना होने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को यकीनन एक जो उनकी 2008 से ये कहा जाता है कि एक पॉलिसी है कि हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो वो उस पर जो है वो अमल दरामद करते आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता, देखिए वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान इसमें नहीं जाता तो उसके फिर हार्श नतीजे जाएंगे और फिर पाकिस्तान को वो फेस भी करने पड़ेंगे, जो अपेरेंटली होता हुआ नहीं लग रहा। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल कर जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि इंडिया ने 2-3 मुल्कों को मिला रखा है, श्रीलंका को मिला रखा है, बांग्लादेश को मिला रखा है, अफगानिस्तान उन्हीं का साथ देगा, उन्हीं का एक तरह से समझे हामी है, तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर उस वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, इसलिए कि आईसीसी से आप मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, अब पाकिस्तान को तकरीबन $34 मिलियन हर साल मिलेगा आईसीसी के रेवेन्यू में से, तो ये अच्छी बड़ी रकम होती है, इसको पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप लोगों को क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि ये जो चाचा बोल रहे हैं ये ठीक बोल रहे हैं या जो बीसीसीआई कर रहा है वो ठीक कर रहा है? आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और लाइक टारगेट रख लेते हैं 12,000, करवाते नहीं हो आजकल, शिकायत है आपसे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।